क्या देख रही हो बेटी? तुम्हारे मालिक को देख रही हूँ और उनकी आदतें। उनकी आदतें बुरी सही, मगर वो दिल के बुरे नहीं है। नहीं होंगी, लेकिन मैं तो अपना सोच रही हूँ, मैं यहाँ कितने दिन नौकरी कर सकूंगी। नहीं, नहीं ऐसा मत सोचो बेटी, तुम्हारे आने से तो मुझे उम्मीद हो गई है। एक औरत मर्द को बिगाड़ सकती है तो दूसरी सुधार भी सकती है। ए बट्टेरू, रानी साहिबा कल तुमरे खाने की बहुत तारीफ करी है। अरे वार्ड रानी साहिबा, हम क्वीन विक्टोरिया को करेले का पुडिंग खिलाया था, उसने हमको ये इनाम दिया है। तुमको बनता? ओह, हम अभी तुमको लगाएंगे। अरे अरे शर्मा मत, शर्मा मत, हम आते तो तुमको नहीं तकलीफ नहीं होगा। क्या कर रही है? तुझे खाना पकाने की नौकरी कर रही है कि मेडल लगाने की नौकरी कर रही है? ए तख्ते, तुम कहाँ बीच में आके टपक पड़ा? अरे मैं बीच में नहीं आता तो पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता। आज क्या हो जाता? हम तो बिजली को एक लगाता था मेडल। अरे तुम कितनी लड़कियों को आज तक मेडल लगाया है? अरे हम बहुत तुमको क्या करने गए? हम किसको लगाया नहीं लगाया, हमको सैकड़ों रानी महारानी विक्टोरिया ने हमको मेडल लगाया है। हम एक मेडल बिजली को लगाने मांगता। बुढ़ा, तुम्हारा उम्र है मेडल लगाने का? अरे बुढ़ा, तुम्हारा बाप मेरा बाप तो गाली मत देना। तुम बब्बू गाय बुढ़ा होता क्यों? छोटे सरकार ने हुक्म भेजा है, उनको मुर्गी का पुलाव चाहिए, रान का शोरबा चाहिए और कमल के पत्ते में लिपटे हुए बोटी कबाब। गुड। कमल, मुर्गी, रान, बोटी कबाब ठीक है, लेकिन कमल का पत्ता किधर से लाया जाए? देखो बगीचे में तालाब है, तालाब में कमल, बस जाकर तालाब में कूद पड़ो। बिजली जाओ और मच्छी को तलो और इस तख्ते के साथ बात मत करो, हम अभी आता है। और सुनो बिजली, रास्ता इधर है, बाहर बाहर बाहर, जल्दी जल्दी जल्दी। हाय 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 हाय, ऐसा नगरिया जैसे मछली की जगह मुझे डाल दिया कढ़ाई में तूने। जाओ तुम हमें संग बात मत करो, बटलर नाराज हो जाएगा। अरे बटलरू क्या नाराज होगा, वो तो तालाब में गोते लगा रिया होगा, मैंने जानबूझकर उसे तालाब में भिजवा दिया। अरे अब तू इसको बंद कर और मेरे पास आ जा। देख देख देख, अगर तू उसके साथ रसोई घर में काम करती रहेगी तो इस धुएं की तरह काली हो जाएगी मेरी रानी, और अगर मेरे साथ रहेगी ना तो चांदी की तरह चमका के रखूंगा तुझे, महारानी की तरह रहेगी। देख बिस्तर में चाय पीना है। अरे बिस्तर में ही नाश्ता करना। हाँ? और बिस्तर में ही खाना खाना। अच्छा? और बिस्तर में ही बटलेरू आ गया। बिस्तर में बटलेरू कहाँ से आ गया? किधर बिस्तर, किधर है बटलेरू, किधर खड़ा है? ए, तुम हमको पत्ता लाने को भेजता और तुम ये बिजली के साथ सच्चा कहता। चले चले चले, निकल जा, निकल जा रहे। जारिया जारिया, बात कहे तू है बिजली, मेरी बात को याद रखियो है। ए, जाता है ना, ये ले खा ले। क्या यार इतनी बड़ी टोली क्यों आई? बोलो बोलो, बात क्या है? बड़े सरकार से बोलो। बात तो कोई नहीं, बरसों से आपकी जमीन पे काम और आपके पांव की गुलामी करते हैं। महंगाई के जमाने में जिस तरह चीजों के दाम बढ़े हैं, मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ी है। हाँ हाँ, कहना क्या चाहते हो? आपके पास वाली जिम्मेदारी में जो हल चलाता है उसको 3 रुपए मिलते हैं, जो सड़क फूटता है उसको 4, जो कारखाने में काम करता है उसको 5, मगर हम आज तक 2 ही रुपए में काम कर रहे हैं। तो तुम लोग हमें धमकाने आए हो? तुम भी चले जाओगे कारखाने में? हम कैसे जा सकते हैं मालिक, हमारे खून में आपका नमक रचा हुआ है। हम तो सिर्फ आपसे अर्ज करने आए हैं, आप दया कीजिए और हमारी मजदूरी बढ़ा दीजिए। अब तुम लोग जाओ, बड़े सरकार तुम्हारी मांग पर विचार करेंगे। नहीं, एक पाई नहीं बढ़ाएंगे हम। जमीन हमारी है, कुएं हमारे हैं, हल हमारे हैं, बैल हमारे हैं, तुम लोगों का क्या है इसमें? जरा सा हाथी चलाते हो ना? सच कहा आपने, हम जरा सा हाथी चलाते हैं। एक छाले हमने शौक से उगाए हैं, जैसे आप बगीचों में फूल उगाते हैं। यू रखकर कान खोल कर सुन लो, पैसे तुम लोगों को उतने ही मिलेंगे जितने मिलते थे, आगे तुम्हारा अपना फैसला। फैसला तुम मालिक आपने खुद ही लिख दिया है यहाँ,
हम इतने पैसे में काम नहीं करेंगे, बेशक हमें भूखा मरना पड़े अपने घरों में। कल तुम्हारे घर कहाँ होंगे? हमारे घर चलाए हैं, हम उसका घर जाएंगे। पीछे हटो, कहाँ जा रहे हो तुम? हम बड़े मालिक से मिलना चाहते हैं। उसे अब भी मालिक कहते हो तुम? उसे कातिल कहो, कातिल। ठहरो, उस आदमी को अंदर आने दो। ठीक है, तुम सब लोग यहीं ठहरो, मैं अकेला अंदर जाकर तुम सब की चीखों से इस महल की दीवारें हिला सकता हूँ। एक बार फिर से कहना कि हम मालिक नहीं, कातिल हैं। एक बार तो क्या, हजार बार कहूंगा, कातिल कातिल कातिल। बाप दादा कितने बहादुर थे और बेटा कितना कायर, जो रात के अंधेरे में गरीबों के घर जा सकता है। हम अभी तुम्हें दिखाते हैं हम दिन के उजाले में क्या कर सकते हैं। सरकार, जो बाहर खड़े हैं उनका क्या होगा? उनके ऊपर हमारे भूखे कुत्ते दौड़ा दो। पहले भूखे इंसानों पर कुत्ते दौड़ाए, अब उन पर बंदूकें तानी जा रही। तुम इन्हें इंसान कहते हो सिर्फ इसलिए कि इनकी दो टांगे हैं, चार नहीं? लेकिन इनका कसूर क्या? यही ना कि इन्होंने 2 रुपए के बजाय 3 रुपए मांगे अपने खून और पसीने की कीमत। आप समझते क्यों नहीं है? आपका हर एक कुत्ता रोज 10 रुपए का मांस खाता है, तो क्या ये आपके कुत्तों से गए गुजरे हैं? तुम जानते नहीं हो करण, जो आज अपने खून और पसीने की कीमत मांग रहे हैं वो कल तुम्हारा और हमारा खून मांगेंगे। अंदर जाओ शराब पी और चुप रहो। जाओ। नहीं, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं भैया, ये सिर्फ रोटी तो मांग रहे हैं, रोटी जिन्होंने अपने हाथों से पैदा की है। कल को अगर इन किसानों ने हल फेंक दिए तो हम जमींदारों का क्या होगा? जमींदारों का जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम्हारा और हमारा फैसला होगा। हम समझे नहीं आपका मतलब। जाओ उससे जाकर इसका मतलब समझो, जो आजकल तुम्हें नए नए पाठ पढ़ा रही है। अमीर और गरीब के दरमियान एक लकीर होती है, दुश्मनी की लकीर। तुम आज अपने भाई को छोड़कर लकीर के उस पार दुश्मनों के साथ जा खड़े हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बीमारी तो आपने बता दी, अब इलाज भी बता दीजिए ना, जो हमेशा होता है। दीवान साहब, बंटवारे के कागजात तैयार है? तैयार है रानी साहिबा। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम सबको ये बता देना चाहते हैं, ये वैसा बंटवारा नहीं जैसा आम जागीरों में होता है, आम घरों में होता है। यहाँ घरों में दीवारें नहीं चढ़ेंगी, जमीन के टुकड़े नहीं होंगे, भाइयों के रिश्ते को कुल्हाड़ों से फाड़ा नहीं जाएगा। ये सिर्फ आमदनी का बंटवारा है, खानदान का नहीं। अब आप पढ़ सकते हैं दीवान जी। पढ़ने की जरूरत भी क्या है दीवान जी, लाइए हम दस्तखत कर देते हैं। छोटे कुंवर शायद दस्तावेज पढ़ना चाहेंगे। जी नहीं, हम भी इसकी जरूरत नहीं समझते। बताइए कहाँ दस्तखत करने?
है ये। अच्छा हमेशा यही होता है, आदमी हाथ काट के देने से पहले देख ले कागज पर क्या लिखा है। अगर बड़े भैया ने कागज नहीं पढ़ा है तो हम भी नहीं पढ़ना चाहते। उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, उन्होंने तो लिखा। तुम भाइयों के बीच में क्यों आ रही हो? बीच में ये बेचारी कहाँ आ रही, बीच में तो आपका गुस्सा आ रहा। अब तो हमें देखना ही पड़ेगा हम किस चीज पे दस्तखत कर रहे थे। पता पढ़ो इसे, हम जरा जानना चाहेंगे। मैं कुंवर करण सिंह, सुपुत्र राजा उदय सिंह, पूरे होश में और अपनी मर्जी से आनंद नगर की जागीर का अपना सारा हिस्सा अपने बड़े भाई कुंवर शमशेर सिंह के नाम लिख रहा हूँ। इसके बदले में मुझे वो नैनीताल का बंगला और 10 लाख रुपए देंगे। बस? जी हाँ बस, आगे सिर्फ आपको दस्तखत करने हैं। नैनीताल का बंगला, 10 लाख रुपए, बस आगे सिर्फ दस्तखत। ये बंटवारा नहीं लूट है। लता भूलो मत, तुम एक मामूली नौकर हो। तुम कौन होती हो हमारे खानदान के मामले में दखल देने वाली? ये खानदान का मामला नहीं है रानी माँ जी, इंसाफ का सवाल है। और इंसाफ के लिए छोटे से छोटा आदमी भी ऊंची से ऊंची आवाज उठा सकता है। लता ने जो कुछ भी कहा है ठीक कहा है। हाँ हाँ, लता ने ठीक कहा, बाकी तो सब झूठ ही बोल रहे, सबके सब चोर जो हुए, मुजरिम जो ठहरे। मैंने किसी को मुजरिम नहीं कहा, सिर्फ अपना धर्म पूरा किया। और धर्म की बात यह है, ये बंटवारा नहीं अंधेर है। नहीं लता नहीं, इन बड़े घरों में अंधेर को अंधेर नहीं कहा जाता, इसे प्यार कहा जाता है, बड़े भाई का छोटे भाई के लिए। करण सिंह भैया, शायद तुम होश में नहीं हो। ठहरो, ये सब क्या हो रहा है? उठा लीजिए ये कागज दीवान जी, हम इन पर दस्तखत नहीं करेंगे। चलो था के घर में आने के लिए इंसान को इंसान से इजाजत देने की जरूरत नहीं होती, मगर हाँ भरी सभा में मुंह खोलने से पहले आदमी को अपने शब्द जरूर तोड़ने चाहिए। मेरी भूल सिर्फ इतनी थी रानी साहिबा, मैंने धर्म के नाम पे अधर्म होते देखा तो मुझसे खामोश नहीं रहा गया। कौन था धर्म, कैसा अधर्म? शमशेर सिंह जो भी कुछ कर रहा था करण सिंह की भलाई के लिए कर रहा था। शराबी कबाबी है, अय्याश है, सीढ़ियों से कमाई हुई दौलत, सदियों से बनाई हुई इसे कौन ज्ञान में फूंक सकता है? तो उन्हें सुधारने का अच्छा तरीका निकाला बड़े भैया ने। अपने नाम करोड़ों की जायदाद लिखवाने लगे थे और उनके हाथ में देने लगे थे भीख का कटोरा। ये तो करण को सोचना चाहिए था, इसने बंटवारे का सवाल उठाया। बंटवारे का सवाल छोटे कुंवर ने नहीं उठाया रानी साहिबा, ये तो बड़े भैया की मांग थी, इसे छोटे भाई ने नहीं ठुकराया। क्या तुम सच कह रही हो? मैं जिस मिट्टी की बनी हूँ वो मंदिर में देवी के सामने झूठ नहीं बोल सकती। तो फिर हम इतना ही कह सकते हैं कि तुमने एक बहुत बड़ा अनर्थ होने से रोक दिया। अरे आप तो वक्त के पूरे निकले, कहा था 10 बजे आएंगे, 10 बजे आगे तक। लेकिन लता लोग तो कहते हैं शराबी की बात का क्या एतबार, रात के सौदागर सवेरे ढूंढने पर भी नहीं मिलते। लेकिन आप तो मिल गए, बैठिए इस कुर्सी पर। अरे इस कुर्सी पर क्यों? इस कुर्सी पर बैठकर हमें क्लर्की करनी है। क्लर्की नहीं, हुकूमत, आप यहाँ के मालिक हैं, आपको रोज आके देखना चाहिए आपके दफ्तर में क्या हो रहा है, आपकी जागीर में क्या हो रहा है। बैठे ना। हम इस कुर्सी में 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। देखिए अभी तो सिर्फ 1 मिनट हुआ है, पूरे 9 मिनट बाकी हैं।
आइए जीना बेटे, हमारे पास आइए। ये हम आज नई बात क्या देख रहे हैं? आपने यूनिफॉर्म पहना है। ये सेक्सी आंटी का हुक्म है। स्कूल के सारे बच्चे एक साथ बैठेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, है ना आंटी? यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है एक जैसा। पाठशाला जैसी पवित्र जगह पे अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बाय बाय अंकल। बाय बाय बेटा। अरे ये सब देखो, स्कूल में जो सुधार हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आप इतना कह देते हैं कि हमें सुधारने की कोशिश मत करना। पटेरू, हम तुम्हें बर्तन घिस घिस के खुश घिस गए, मगर तुमने हमेशा हमको उबले हुए चावलों पे डाल दिया। कभी ये नहीं पूछा बिजली बिरयानी खाओगी, कबाब खाओगी, फिरनी खाओगी। हम तुमको कबाब खिलाएंगा, फिरनी खिलाएंगा, बिरयानी खिलाएंगे, तुमको जन्नत की सैर कराएगा बिजली। कब? आज रात को चमेली के मंडवे तले। चमेली के मंडवे तले, चमेली के मंडवे तले, चमेली के मंडवे तले, दो बदन आग में जल गए रे बाबा, दो बदन आग में जल गए रे। अरे मूंग छाते पे बटलर की हम दल गए, मूंग छाते पे बटलर की हम दल गए, ये चमेली के मंडवे तेरे तो, चमेली के मंडवे तले, चमेली के मंडवे तले, दो बदन प्यार की आग में जल गए, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली की चमेली के मंडवे तले। बिजली बिजली बिजली, तुम कितना भोला भाला है, तुम अभी तक हमारे प्यार को नहीं समझा। अरे ये ऑर्डिनरी बैटरी नहीं है, ये हमारा मोहब्बत का बैटरी से चलने वाला लाइट है। अब बैठो बैठो। देखो प्यार की बात बाद में करो, पहले ये बताओ हमरे लिए खाने को क्या क्या लाए हो। तुम पेट भर के खाओ और जो बच जाएगा ना तो वो रानी साहिबा, छोटे सरकार बड़े साहिबा खिला देगी। क्या क्या है? अरे तुम देखो क्या मजा है। क्या हुआ, गरम है क्या? नहीं, कट गया हाथ। कट गया? ये कैसा हो सकता, कटी भी मुर्गी कैसे काट सकती है? मैं देखता हूँ। ओ ये तो अरे डाली मुर्गी और निकला खेकड़ा। अरे अरे रे, तैर तो ऐसा रहा है जैसे तेरे बाप का तालाब है। तुमको नहीं मालूम ये सब ऐसा कैसा हो गया? अरे हमने से क्या पूछा था, तुमको ही मालूम क्या क्या कचरा भर के लाए हो इसमें। हम तुम्हारे लिए कचरा कैसे डाल के लाएगा? अरे हम क्या क्या डाल के लाया था तुम्हारे लिए। अरे हमारे साथ किसी ने धोखा किया है बिजली। अरे हमको बोला था बिरयानी खिलाएगा, कबाब खिलाएगा। देख ये तेरे इन सब के सब बात, तेरी बातों में आके हमने अपनी रात की चावल भी कुत्ते को खिला दी। हाय राम, हम अब रात भर हमरे को भूखा मरना पड़ेगा। काहे को है, हम क्या मर गए जो तुझे भूखा मरना पड़ेगा? मेरी रानी जरा तू बैठ, देख मैं तेरे लिए क्या क्या लेके आया। खोल मत खोल मत, तुम सब मर्द हुए बंद डिब्बे की तरह होते हो, बाहर से देखो तो चम चम चमकत हो और अंदर देखो तो कलाई उतरी हुई। अरे देख तो सही, तू खोल के अंदर बाहर सब एक साथ देख ले।
खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आए, ये कोई बटलेरू का खाना थोड़ी है। अरे मेरी रानी, मैं तेरे लिए खास आगरे के ताजमहल होटल से लेके आ रही हूँ। खाले खाले खाले। वाह वाह, खाना तो बड़ा मजेदार है। अरे तो खाने वाले भी तो बड़ी मजेदार है। हाँ, खा ले खा ले, अब तू जल्दी से खा ले, फिर उसके बाद। उसके बाद क्या? अरे उसके बाद चमेली के मंडुए तले मूंग छाती पे बटलर की हम दल गए। चमेली के मंडुए खिला दे। मामी मामी, तुम्हारा घोड़ा आ गया। मम्मी यहाँ कार्ड पंच करो। लता का मनी ऑर्डर आ गया। मम्मी यहाँ दस्तखत करो। कितने रुपए भेजे लता? बहुत बड़ा खजाना भेजा है मम्मी, सिर्फ 200 रुपए। मेरे लिए तो खजाना ही, जिसका पति काम कर नहीं सकता और बेटा काम करता नहीं। स्टॉप इट मम्मी, डैडी के माफिक लेक्चर मत छाड़ो। यहाँ पंच करो कार्ड। कम ऑन, लो, गेट। आधा बर्ज है सेक्रेटरी जी, आधा बर्ज है। जरा बटुआ खोलिए। क्या चाहिए? माल चाहिए माल। क्यों? बाहर सूरज डूबता है तो अंदर छोटे सरकार को दर्द शुरू हो जाता है। हेलो, ये क्या? एस्प्रो की टिकिया के लिए पैसे। उनका दर्द टिकिया से थोड़े दूर होता है, वो तो इससे होता है। पैसे नहीं मिलेंगे, गेट आउट। मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो उनके लिए मांग रहा हूँ जो मेरे भी मालिक है और तुम्हारे भी। कह जो दिया है पैसे नहीं है। अच्छी बात है, मैं जाके छोटे मालिक से कह देता हूँ कि अब उनका हुक्म खोटे पैसे की तरह हो गया है। बाजार की बात तो छोड़ो, घर तक में नहीं चल रही है। जाके कह दूं? हाँ हाँ कह दो, धमकाते किसे हो? देखो सेक्रेटरी जी, एक बार फिर समझा दे रही हूँ, वो दिन में तुम्हारी बात सुन सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन रात का महकमा मेरा है। गेट आउट। आदाब। इच्छा